ये जो घड़ी है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, खाली हमारा देश ही नहीं गुजर रहा, पूरी दुनिया ही गुजर रही है, जिसका नाम है कोरोना वायरस संक्रमण। इसका नाम दिया गया है कोविड-19। ये इतना खराब या वायरस है जो कि किसी हम लोगों से ह्यूमन टू ह्यूमन, आदमी से आदमी तक फैल रहा है, और फैलने का माध्यम मेनली हम लोगों के जो थूक होता है उसकी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, उस माध्यम से फैल रहा है। इसके सिम्टम्स ज़्यादातर ऐसे होते हैं जैसे कि थोड़ा बढ़ा हुआ जुकाम, बुखार हुआ, खांसी हुई, खांसी के साथ एक सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और बुखार आता है। ये बीमारी खतरनाक ज़रूर है लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। इसका इलाज बेशक नहीं है लेकिन इसका सबसे बड़ा इलाज इसको फैलने से रोकना बहुत आसान है। और आसान तरीका क्या है कि हम किसी से नज़दीक से ना मिलें, हाथ मिला के वंदन कतई ना करें, क्योंकि हाथ के माध्यम से ये इन्फेक्शन, ये वायरस एक से दूसरे तक जाता है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारी सांस के साथ भी हवा में स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो फैलती हैं, तो इसलिए दूर से अभिवादन करें, आदमी से कम 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखें और इकट्ठे लोग ना मिलें। ये छोटे छोटे से प्रिवेंशन लेने से, और जब भी मिलें, जब भी हम घर से बाहर जाएं, तो घर में आते ही साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं। हाथ धोने की बार बार की आदत साबुन से, ये हमें बहुत बड़ा बचाव करेगी। हम में से किसी को भी इन्फेक्शन हो रहा हो, ज़रा सा भी ज़ुकाम के सिम्टम्स हों, तो हम खुद मास्क ज़रूर पहने जिससे कि दूसरे को इन्फेक्शन ना पहुँचे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि घर में भी हम सबको मास्क लगाना हो, ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको भी सिम्टम्स हों, वो चाहे नॉर्मल ज़ुकाम भी होता है वो भी वायरस के द्वारा होता है। आपने देखा होगा कि नॉर्मल ज़ुकाम भी वायरस का, अगर एक को होता है घर में तो दूसरों को फैलता है। तो एक तरह से ये हमें अच्छा संस्कार भी सिखा रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम बीमारी को कैसे रोक सकें। तो देखिए, हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री जी की कितनी बड़ी बुद्धिमत्ता है कि, और कितने वो संवेदनशील हैं कि उन्होंने पूरे देश में लॉकडाउन किया, जबकि लॉकडाउन बाहर के देश हम लोगों को देख के करना शुरू किए हैं, और लॉकडाउन करने से इस बीमारी को निश्चित रूप से फैलने से रोका जा सकता है। अन्यथा आप देख रहे हैं कि जो विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, विकसित देशों में ये किस बुरी तरह से फैला हुआ है। चीन में, अमेरिका में तो आज इसकी संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। इटली, स्पेन, कोई भी बड़ा देश देखिए, उसमें इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं। इसको बचाने का एक ही रास्ता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, हम बार बार हाथ धोएं, हम बाहर ना निकलें, इकट्ठे ना हों। इसके अलावा ये संकट की घड़ी है। देखिए, हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे समाज ने बहुत सुंदर तरीका बताया है कि संकट घड़ी की घड़ी में हमें क्या करना चाहिए। संकट की घड़ी में हमें धीरज रखना चाहिए, धर्म पालन करना चाहिए, अपने आप को अध्यात्म से थोड़ा जोड़ना चाहिए, और संकट की घड़ी में दान का बहुत बड़ा महत्व बताया है हमारे सारे शास्त्रों में। अब हमारा ये समय है कि न केवल हम अपने लिए जिए बल्कि समाज के लिए जिए, हम दूसरों के लिए दान करें। हम ये दान करेंगे, अपने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में दान करें, यूपी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के फंड में दान करें। इस दान से हमारी इस समस्या से, कोरोना वायरस से लड़ने की समस्या से, हमारे देश में भी क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा दूसरा दान क्या है, अन्न दान भी बहुत महत्व रखता है। हम ये देखें कि हमारे पड़ोस में अगर कोई गरीब है जिसके पास इतना नहीं है, तो हम किस तरह से दान कर सकते हैं उसको अन्न के लिए। देखें कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो अब अपने देश से दूर पड़े हुए हैं, अगर हमारे आसपास है तो हम जिम्मेदारी ले लें उसको भी भोजन दे देने की। हम जिम्मेदारी ले लें उसको भी, पूरा काम करने की जितनी तनख्वाह देते हैं उतना ना दे सकते हैं, कम से कम आधा दे दें जिससे कि वो इतना विचलित ना हो कि अपने गांव में भागना चाहे, वो रोक सके। तो मेरी अपील है जन सामान्य से कि ऐसे लोगों के लिए, दहाड़ी मजदूर हैं ये, जब अपने गाँव में विचलित होकर भागेंगे तो हमारा जो गवर्नमेंट का उद्देश्य था कि लॉकडाउन करें वो भी विफल हो जाएगा। तो
तो हम उनके लिए भी सहायक बने, ये मेरी अपील है। और दान देने से, आध्यात्म देने से हमारी शक्ति भी बढ़ती है किसी भी बीमारी और किसी भी परेशानी को दूर करने में, दूर भगाने में। ये मेरा आप सबसे सादर अनुरोध है।